गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने EVS का लेसन नंबर 13 स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन क्या होते हैं? उत्सव। हमने कल इसमें पढ़े था बर्थडेज के बारे में, मैरिजेस के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स, मतलब धार्मिक त्यौहार। फर्स्ट फेस्टिवल आ रहा है इसमें हमारा दशहरा। दशहरा इज़ ए हिंदू फेस्टिवल। दशहरा सेलिब्रेशन बिगिन विद रामलीला। ऑन दिस डे राम गेन ट्रायंफ ओवर रावण। To mark the event, the effigies of Ravan, Meghnad and Kumbhakaran are burned. कह रहे दशहरा जो है ये एक हिंदुओं का त्यौहार है। ये दशहरा जो है ये कहाँ से शुरू होता है? रामलीला से। जब हमारे क्या बोलते हैं नवरात्रा शुरू होते हैं, नवरात्रा के बाद दशहरा आता है। बट लेकिन जो नवरात्रा में दशहरा की जो रामलीला है वो शुरू हो जाती है। और इस दिन क्या किया था राम जी ने? रावण को मारकर विजय हासिल की थी। और इस त्यौहार को हम किस तरह से मनाते हैं? इस दिन हम रावण का, मेघनाथ और कुंभकर्ण के एफिजीज मतलब पुतले बनाकर हम इनको जलाते हैं। दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ऑन दिस ओकेजन पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस। दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एट नाइट। चिल्ड्रन बर्न क्रैकर्स। दिवाली जो है ये एक लाइटों का त्यौहार है। इस त्यौहार पर लोग अपने घरों की सफाइयाँ और अपने घर को सजाते हैं। इस दिन हम रात को माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बच्चे जो हैं वो क्रैकर्स मतलब पटाखे जलाते हैं। आगे कौन सा फेस्टिवल है बच्चों हमारा? होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। People have fun with gulal and colorful water. They also exchange sweets with friends and relatives. होली जो है ये एक रंगों का त्यौहार है। यहाँ पर इस त्यौहार पर लोग गुलाल के साथ और कलरफुल पानी, रंग बिरंगे पानी के साथ मज़े करते हैं। They also exchange sweets with friends and relatives. और इस दिन लोग मिठाइयाँ आपस में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से एक्सचेंज करते हैं। ईद उल फितर इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। द मुस्लिम्स गो टू ईदगाह फॉर नमाज। आफ्टर द नमाज दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड विश ईद मुबारक। ईद जो है ये एक मुस्लिमों का त्यौहार है। इस दिन मुस्लिम ईदगाह जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ने के बाद ये एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। नेक्स्ट गुरपुरब। गुरपुरब इज़ द फेस्टिवल ऑफ द सिक्स। दे सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ देयर गुरुज ऑन गुरपुरब। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड इन गुरुद्वाराज ऑन दिस डे। गुरपुरब जो है ये एक सरदारों मतलब सिखों का त्यौहार है, और इस दिन ये क्या करते हैं इनके जो गुरु हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं गुरपुरब वाले दिन, और ये प्रेयर करने कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में। नेक्स्ट है क्रिसमस। Christmas is the festival of the Christians. It is celebrated all over the world on 25th December every year. People wish one another happy Christmas. On this day, Jesus Christ was born. Christmas जो है ये कृष्णों का त्यौहार है, और ये पूरे वर्ल्ड में 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और इस दिन लोग एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। इस दिन जीजस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। इस दिन जीजस क्राइस्ट जो कृष्णों के जो गुरु हैं जीजस क्राइस्ट उनका बर्थडे होता है। चर्चेज आर डेकोरेटेड एंड स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड ऑन दिस डे। चिल्ड्रन डेकोरेट क्रिसमस ट्री एंड वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू ब्रिंग देम गिफ्ट्स। चर्चेज जो हैं जो गिरजाघर जिसको हम बोलते हैं वो उस दिन बहुत अच्छे से सजाया जाता है, और इस दिन बहुत सारी प्रेयरें की जाती हैं कहाँ पर? चर्च में। और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे से सजाते हैं और सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं कि वो हम सबके लिए क्या लाएंगे? गिफ्ट्स। नेक्स्ट है नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? जो हमारे जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, जो नेशनल त्यौहार आते हैं। देयर आर थ्री नेशनल फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। कौन से तीन फेस्टिवल हैं हमारे? एक है इंडिपेंडेंस डे, एक है रिपब्लिक डे, और एक है गांधी जयंती। वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th ऑफ अगस्त एवरी ईयर।
हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। हर साल हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे ऑन 26th of January एवरी ईयर। और हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 अगस्त को। हर साल हम 26 अगस्त को अपना रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2nd of October एवरी ईयर। और हम अपना गांधी जयंती जो है कब मनाते हैं? 2nd अक्टूबर को ही हर साल मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ये लेसन कंप्लीट किया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे, थैंक यू।